हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मॉर्निंग प्राइम टाइम के नंबर वन शो नमस्ते भारत में आपका स्वागत है। नमस्ते भारत में वक्त है बिकरू नरसंहार पर सबसे बड़े अपडेट का। 3 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं लेकिन अब तक कुख्यात विकास दुबे का पता नहीं चल पाया है। घंटे दर घंटे विकास दुबे के सिर पर रखे गए इनाम की राशि बढ़ रही है और उस सवाल को लेकर संशय बढ़ रहा है कि विकास दुबे पकड़ा जाएगा भी कि नहीं। 50,000 से शुरू हुई इनाम की राशि अब 2.5 लाख पहुंच गई है लेकिन विकास दुबे के गिरेबान तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच सके। ये अपराधी अगर जो हमारे एरिया से निकल के जा रहा है तो इसको हम 100% पकड़ेंगे। करीब 90 घंटे पहले जिस विकास दुबे के सिर पर 50,000 का इनाम था वो अब 5 गुना बढ़कर 2.5 लाख रुपए हो गया है। यानी वारदात के बाद से हर बीतते घंटे के साथ विकास दुबे के सिर पर करीब 2800 रुपए प्रति घंटे की रफ्तार से इनामी राशि बढ़ रही है। लखनऊ से लेकर नेपाल की सीमा तक और कानपुर से लेकर चंबल की घाटी तक पुलिस ने पहरा लगा दिया है। मुख्यमंत्री खुद बैठक कर रहे हैं पर कुख्यात विकास दुबे पुलिस की पहुंच से दूर है। मुख्यमंत्री का आदेश है पुलिस मुख्यालय से अधिकारी कानपुर जाएं, जब तक विकास दुबे पकड़ा नहीं जाता वही रहे। पुलिस ने विकास की तलाश में 40 टीम बनाई है और एसटीएफ अलग जांच कर रही है। पोस्टर लगा के नाकेबंदी करके विकास को पूरे देश में खोज रही यूपी पुलिस को शक है कि 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी चंबल के बीहड़ या नेपाल की घाटियों में कहीं छिपा हो सकता है। डीजीपी सर ने 2.5 लाख रुपए का इनाम इस पर घोषित कर दिया है और अब इसके पोस्टर्स हर जगह लगाए जा रहे हैं जिसमें इसकी इनाम की धनराशि में फोटोग्राफ जगह जगह चस्पा किया जा रहा है। गिरफ्तारी के लिए 40 थानों की 25 टीमें बना करके गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी है। यूपी नेपाल सीमा के अलावा यूपी एमपी और यूपी राजस्थान सीमा पर भी गश्त बढ़ा दी गई है। हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं। शॉर्ट नोटिस में हम इमीडिएट उसको काउंटर कर सकते हैं। किसी भी तरह का इनपुट आता है तो हेल्प कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं किसी भी एजेंसी। कानपुर उन्नाव के टोल प्लाजा पर पुलिस वाले हाथ में विकास दुबे की तस्वीरें लेकर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। फिरोजाबाद के टूंडला टोल नाके पर विकास के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। अपराधी अगर जो हमारे एरिया से निकल के जा रहा है तो इसको हम 100% पकड़ेंगे। हमारी तैयार है। केस की जांच में लगी यूपी एसटीएफ रिश्तेदारों करीबियों टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिरों के सहारे विकास की ओर बढ़ रही है। अब तक मामले में विकास के घर में रहने वाली घरेलू सहायक रेखा और रिश्तेदार क्षमा दुबे समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जब बिकरू कांड में हल्का इंचार्ज दारोगा और 3 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है। उनकी कॉल डिटेल से पता लगा है कि ये सभी विकास के संपर्क में थे।